स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 के 1 to 5 क्वेश्चंस करने थे. 1, 2, 3 and 4, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस मैं आप लोगों का करवा चुकी हूँ. अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें है कि शो द इक्वेशन. ये जो इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, इफ़ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 + m², ठीक है. अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि अब उनमें जो है इक्वेशंस बनी हुई होती थी, ठीक है, लेकिन इसमें इक्वेशन बनी हुई नहीं है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है. सॉल्व करने के बाद इसकी इक्वेशन बनेगी, फिर उसमें से हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है. अब है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वेयर. हम इसके ऊपर कौन सी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी होल के स्क्वेयर का. तो इसके ऊपर क्या है फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू एम एक्स है, बी की वैल्यू सी है, तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है. यहाँ तक समझ आ गई, और इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ तक, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वेयर कॉमन है. एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + m², ठीक है. और एक्स स्क्वेयर साइड पर आ गया, प्लस 2mcx + c² और ये इधर आ जाएगा तो -a² = 0. अब एक्स स्क्वेयर 1 + m², ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ बस एक ही दफ़ा लिखना होता है, ठीक है. प्लस 2mcx + c² - a² = 0. अब a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 + m², ठीक है. फिर b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2mc, और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी c² - a². अब इसको इसी वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, b² - 4ac. b की वैल्यू हमारे पास है 2mc² - 4ac, ठीक है. अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये स्क्वेयर ऑफ 1 होगा, 2 × 4 m² c² - 4. पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, इसको हम साइड पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है. हाँ, ये आएगा 1² - a² + m² c² - m² a², ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक. अब ये आपस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4m² c² - 4, ठीक है. ये c था, हाँ स्टूडेंट, ये c था तो ये c² होगा, ठीक है. मतलब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई, c² - a² प्लस ये इस तरह आ गया, फिर ये 4c² + 4 को माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a² - 4. स्टूडेंट्स, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. -4c² + 4a² + 4a² हो गया, ठीक है, +4a² m² ये वाला लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अच्छा अगर मैं इसको पॉजिटिव में लाने के लिए मैं इसको इस साइड पे ले जाऊँ, यहाँ अगर 0 लग रहा है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से 0 को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वेट टाइम एक ही जगह इक्वल का साइन लगता है, ठीक है, यहाँ तक लगेगा इक्वल का. अब नेक्स्ट है के 4a² + 4a² m² इज इक्वल टू 0, माइनस यहाँ आके हो जाएगा +4c² और हाँ जी 4a² + 4a² m² इज इक्वल्स टू 4c², ठीक है. यहाँ तक ये सॉल्व हो गया. अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है और a कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, 4a² कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा 1 + m² इज इक्वल टू 4c². अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई. अब हम आगे क्या करेंगे कि अब देखें 4, अब स्टूडेंट्स 4 जो है मैं उसको बोथ साइड्स पे 4 को मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4a² 1 + m²
इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर, यहाँ भी मैंने फोर को डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने फोर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा ए स्क्वेयर वन प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। बोथ साइड्स पे डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, ए स्क्वेयर वन प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, ठीक है। यही अब ये इक्वेशन इस तरह हमने सॉल्व कर दिया। मैं इसको अरेंज करके यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ये देखें ये क्या हो जाएगी, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर वन प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इसी तरह इसको सॉल्व करना था। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, ये देखें जिस तरह यहाँ कहा था, पूरा क्वेश्चन बोलने के बाद उन्होंने कहा था इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वन प्लस एम स्क्वेयर, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।